सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लखवीर भाई के घर से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं जी। रूटीन में वीडियोस आप लोग देखते रहते हो। गांव फल्लड़, तहसील रामा मंडी और डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर का एरिया जी। पशु मंडी डब वाली से मात्र 10 किलोमीटर पर भाई साहब का ये घर रह जाता है, जहाँ से रूटीन में वीडियोस आप लोग देखते हो। रूटीन में बाहर वाली स्टेटों से कस्टमर आते हैं। आज की वीडियो में जो 20 गाय आप लोग सामने देख रहे हो, यहाँ से सेल होकर गुजरात के लिए जाएंगी। पक्के कस्टमर, पुराने कस्टमर जो लंबे समय से आते हैं, उनके साथ बातचीत करवाएंगे और आगे की डिटेल आगे आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी कुलवीर भाई, कैसे हो? लखवीर जी बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया चाहिए। और काम का आज घर परिवार कैसा है जी? बढ़िया चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। तो लखवीर जी, सबसे पहले तो हर बार की तरह ना, एक बार अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ का और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भाई सब बता दीजिए। गाँव फल्लड़ है जी, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा और डब वाली पशु मंडी से 10 किलोमीटर पे हमारा गाँव रह जाता है जी। ओके जी, कॉन्टेक्ट नंबर जी 88376 जी 3131 जी। ओके जी। और रूटीन में वीडियोस लाते रहते हैं, है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। तो इससे पहले लाइव भी हम लोगों ने दिखाया एक जी, जो गाय यहाँ से सेल होकर अपने गुजरात के लिए जा रही है। कितने समय से ये भाई साहब आ रहे हैं जी? 5 साल से आ रहे हैं जी, 5वीं बार आए हैं जी इस बार। अच्छा, 5 साल से, हर साल में एक बार आते हैं? हाँ जी, ये दूध का काम है जिनका। अच्छा जी, हर साल में एक बार आते हैं। उस टाइम एक गाँव से 7-8 आदमी है, तो लगभग 60-70 गाय लेके जाते हैं जी। अच्छा, 10 चली गई 20। अच्छा, मैं ये मान सकता हूँ कि सारे का सारा गांव ही आपके पास आता है? हाँ जी, लगभग मान लो, ऐसे मानो। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। लखवीर आए हुए हैं, रायगढ़ के सरपंच हैं दिलीप। हाँ, बातचीत करेंगे। गिरीश भाई ये भी 4वीं बार आए हुए हैं, इनके साथ भी बातचीत करेंगे जी। तो लखवीर जी, पहले एक ओवरव्यू ना अपनी गायों के बारे में दीजिए। 20 गाय जा रही है, आज लोडिंग होगी? हाँ जी, हाँ जी, बस 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद कितने की दूध वाली है भाई? एवरेज 14-15 लीटर से लेके 20 लीटर जी। 14-15 मिनिमम, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा 20 तक जाएगा। हाँ जी, ज्यादा तो जब 22-23 भी पर जाएगी, पर 20 बोल के दी जो है वो असल वाली बात जो है ना जी? जी, एक तो होता है कि बोलने वाली बात, बोलने को तो चाहे हम लोग 30 लीटर बोल दें, बोल दे, कौन सा किसी ने देखना है जी, वीडियो में बोलना ही है ना जी, उसमें कुछ लगता नहीं है। जो असल बात है वो बहुत कम भाई आप जैसे रह जाते हैं जी, जो असल बात बोलते हैं इनको जी, दूध सही बताते हैं, तो इसीलिए 5वीं बार आ गए हैं। नहीं तो एक बार कस्टमर आता है, दूसरी बार नहीं आता, फिर 3री बार बुलाना, 4थी बार 5वीं बार आना, तो फिर जो अच्छा काम करते हैं फिर ही आता है। सही है जी, सही है जी। और लखवीर जी, आज के दिनों में दाम कैसे चल रहे हैं जी फिर मंडियों में? जैसे मंडी का दाम कुलवीर भाई, गुजरात का ग्राहक स्टार्टिंग है। हाँ जी, महाराष्ट्र का भी कम हुआ है। अच्छा, महाराष्ट्र भी कम है, उधर थोड़ी बारिश कम है। हाँ जी, जैसी बारिश शुरू हो जाएगी तो उधर का कस्टमर हो जाएगा। अच्छा, पर गुजरात का कस्टमर इस मंडी में भी बहुत था। बहुत अच्छी बात जी, रेट मीडियम चल रहा है जी, कोई ज्यादा भी नहीं है। अच्छा, कम भी नहीं है। सही बेचने है वाले को तो लगता है जी बहुत कम रेट में जा रही है, और लेने वाले को लगता है कि महंगी ले रहे हैं। सही है, ये बात तो बड़ी बात है, ये तो हमेशा से ही लगता है ना जी। चाहे चलो व्यापार का काम अलग है, अगर हम लोग जैसे किसानों के परिवारों से हैं हम लोग, इस बात को हम लोग लेकर चले, तो अगर घर से गाय बेचेंगे तो एक बार लगेगा नहीं यार थोड़ी और महंगी बिक जाती। हाँ ना जी, तो हाँ अच्छा था। अगर व्यापार लाइन की चूज करें, जैसे हम लोगों ने गाय खरीदनी है, हाँ तब उस वक्त यही लगेगा कि यार दाम ज्यादा बढ़ थोड़ा महंगा हो रहा है ना जी, जी। तो लखवीर जी, फिर ज्यादा समय नहीं लेता जी, इससे पहले जैसे लाइव में भी हम लोगों ने बातचीत की, तो एक बार अपने भाइयों को बुलाता हूँ जी, चंद बातें इनके साथ इनका एक्सपीरियंस आगे शेयर करते जाएंगे, है ना जी। आइए भाई साहब सामने आ जाइए, लखवीर जी यहीं पर रुके रहिए। भाई साहब जो भाई बात करेगा इस तरफ आ जाना लखवीर जी के साथ में। दोस्तों भाई साहब ये सामने आ गए हैं जी, गुजरात से आए हुए हैं, बातचीत इनके साथ करेंगे, आप लोगों के सामने हैं सभी के सभी भाई। आप ही से बातचीत करूंगा जी, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करना, माइक उधर लगा हुआ है। नमस्कार जी, पहले तो नमस्कार, क्या शुभ नाम है सर अपना? मेरा नाम गिरीश भाई है। अच्छा, प्रॉपर एड्रेस क्या है जी? प्रॉपर एड्रेस मेरा गाँव है रायगढ़। अच्छा जी, तालुका पड़ता है हिम्मतनगर, जिला पड़ता है साबरकांठा। ओके जी, और भाई सब कितने समय से इधर आ रहे हो जी? पहले हमें इधर 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से हर साल आ रहे हैं? हर साल, हर साल। इससे पहले कितनी गाय लेकर गए हो? पहले भी हमने 20 गाय लिए है, इस बार भी 20 लिए है, बीच में हर बार आए 10 गाय या 20 गाय लिए है। 10-20 गाय कहने का मतलब हर बार लेकर ही जाते हो? हर बार लेकर। दो बार ऑनलाइन मंगवाई। अच्छा, 2 बार ऑनलाइन भी मंगवाई? ऑनलाइन भी मंगवाई। जैसे भाई साहब बता रहे थे, आपका तो सारे का सारा गांव ही इधर आता है गाय लेने के लिए जी। हमारे यहाँ
अभी 10 दिन पहले आए, 10 दिन पहले आए को दूसरे आने वाले ही आई पे। अच्छा, आप इधर से निकलोगे, जैसे घर पर पहुंचोगे दूसरे और भाई उधर से चल जाएंगे गाय लेने के लिए। एक गाड़ी पहुंच गई जी पहले उधर से, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो भाई इधर से गाय लेकर गए, जैसे वो पहुंचे तो आप चल पड़े। हाँ वो सही है, यस का भाई है। अच्छा, इनके भाई साहब थे वो, अच्छी बात है जी। तो भाई साहब थोड़ा सा ना अपना एक्सपीरियंस जो है गुजराती में बताना, जैसे लाइव में बताया, एक्सप्लेन कीजिए जो आपके उधर के भाई देख रहे हैं उन्हें मालूम चल जाए कि काम कैसा है इनका। काम तो आमनु सारू से, अने गायों भी सारी सारी क्वालिटी ने राखी आपे से अपने, अने दाम मा पन व्यवस्थित करी आपे से। जैसी क्वालिटी चाहिए वैसी मिल जाएगी, क्वालिटी तमे मांगो एक प्रमाणे तमने गायों सोजी आपे से। ओके जी, धन्यवाद, अच्छा लगा बातचीत करके। लखवीर जी फिर एक एक करके गाय चलाते हैं जी, हाँ जी साथ में जो अपनी बातचीत है जी आगे की वो करते जाएंगे। इससे आगे दोस्तों गाय चला कर दिखाएंगे। हाँ जी दोस्तों, बातचीत हो गई जी, इससे आगे गाय आप लोगों को दिखाएंगे। सेल हो चुकी हैं तो गाय ज़्यादा नहीं चला कर दिखाएंगे, बीच बीच में से गाय दिखाई जाएंगी। और पहले नंबर पर हीरे जैसी बछड़ी आप लोगों के सामने है जी। हीरे जैसी इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि पहले नंबर पर एक तो ब्यांत पहला है, हाँ जी, दूसरे नंबर पर मुंह से दो ही दांत है, दो दांत सही है जी। तीसरे नंबर पर आप लोग इसका स्वभाव देखिए कितना प्यारा है, बहुत ज्यादा। चौथे नंबर पर इसके चारों आंचल देखिए, अडर की शेप देखिए, आंचलों का गैप देखिए और अडर की फिटिंग देखिए, बहुत अच्छा जी, सही है जी। जी जी, और रंग रूप भी बहुत खास है इसका, है ना जी। जी लखवीर जी, क्या डिटेल पहले बार में कितना समय अभी जी? कलवीर भाई अभी ले जाएगी 8 दिन आरामदारी से, फास्ट में बच्चा देगी, मुंह से दो ही दांत है जी, दो ही दांत पहले बार में बहने वाली है और हफ्ता करीब रामदारी, हाँ जी रामदारी से ले जाएगी। ओके जी, सबसे खास बात जैसे अडर की मैंने बात की, बहुत ही ज्यादा फिट अडर है इसका। और भाई सब कितना दूध ये दे देगी जी? ये 20 प्लस चलेगी कलवीर भाई, 22 लीटर दे देगी। मैं ज्यादा 20 से कम ही बोलता हूँ हर गाय को, पर ये गाय 20 प्लस चलने वाली है। लखवीर जी ये ना आपकी तारीफ इस चीज में बनती है कि आप इसका 20 ही बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ नहीं तो क्या है कि लोग इसका ऐसी बछड़ियों का 30-30 भी बोलते हैं, सही है ना जी। जी ले जाइए भाई साहब, बांधिए, इससे आगे दूसरी गाय लेकर आइए। दूसरे नंबर पर दोस्तों एक और हीरा आप लोगों के सामने है जी। ये भी बछड़ी पहले ब्यांत वाली है और ये भी मुंह से दो ही दांत है, क्वालिटी वाइज बहुत शानदार, जैसी क्वालिटी वैसा दाम और वैसा ही दूध यहाँ पर दोस्तों बताया जाता है जी। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है जी। लखवीर जी डिटेल बताते जाइए जी। कलवीर भाई फर्स्ट ब्यांत है, हाँ जी, 8-10 दिन बाकी हैं ब्याने में, मुंह से दो दांत है जी। हाँ जी, हाँ जी, और भाई ब्रीड में आपको दिख रही है जी, बहुत ज्यादा अच्छी है, फेस देखो। हाँ जी, हाँ जी, हाइट लेंथ थोड़ा मीडियम है पर वैसे बहुत अच्छी है जी। अच्छा भाई कितना दूध दे देगी? दूध दे देगी 16-17 लीटर मान के चलो जी, फास्ट में छोटी बछड़ी है अभी। अगर अच्छी केयर करेंगे तो मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ कि ये 20 को भी टच करेगी, टच करना चाहिए जी, पर मतलब बोल के 16 देंगे जी। अच्छी बात है, तभी फिर 5 साल से आप ही के पास आ रहे हैं जी। यही है। और भाई दाम कितने में दिए ये? 52 में दी गई, 52,000। इससे पहले जो बछड़ी चलाई थी वो पहले नंबर वाली, वो 60 में दी गई, 60,000। ओके जी, बांधिए भाई साहब, बिट्टू जी बांधिए। इससे आगे तीसरे नंबर पर दोस्तों जर्सी एक और आप लोगों को दिखाते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों एक और हीरा, जर्सी ब्रीड का हीरा आप लोगों के सामने है जी। हाइट तो है जी इसकी छोटी, छोटी हाइट ही है, अगर है तो मैं वो ही बोलूँगा, लेकिन ब्रीड में ये छोटी नहीं है, ब्रीड बहुत शानदार है जी, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा और जितनी ऊपर से खुद वैसा ही इस गाय का अडर है जी आप लोगों के सामने। अभी आप लोग देख रहे हो मटके जैसा बड़ा अडर है। और लखवीर जी क्या डिटेल है भाई इसकी? लखवीर भाई सेकंड ब्यात में है, हाँ जी, अब बच्चा देने में अभी 10 दिन ले जाएगी जी, 10 दिन दूसरे बार में अभी ले जाएगी। हाँ जी भाई, कितना दूध मानते हो जी? दूध 14-15 लीटर का मानते हैं जी, हाइट के हिसाब से 14-15 लीटर मानते हैं। 14 से प्लस तो ये भी चली जाएगी लखवीर जी, 14-15 लीटर ग्राहक को बोल के दिया है जी। हाँ जी, दूध निकाल दे 16-17 निकाल दे तो अच्छा है, बस 14-15 बोल के दिया है जी। ओके जी भाई साहब, थोड़ा सा चेहरा इसका इधर को घुमा दीजिए। और लखवीर जी कितने दाम में दी गई है? 50,000 में दी गई है, 50,000। हाँ जी, वही जो बात लाइव में की थी एक बार फिर से कर रहा हूँ जी, अगर इसकी हाइट बड़ी होती, हाँ जी, तो दाम कितना बढ़ जाता है? हाँ जी, फिर 25,000 का रेट का फर्क, 75,000 तक। हाँ जी, बस 5 उंगल भी ऊंची होती है ना 4, हाँ जी, तो इसका रेट बहुत जाता है। सही है जी, ले जाइए भाई साहब, बांधिए। इससे आगे अंत में एक और गाय ले आइए जी। इससे आगे चौथे नंबर पर दोस्तों एक और बहुत शानदार बछड़ी आप लोगों के सामने है जी। ये भी मेरे हिसाब से लखवीर जी पहले ही ब्यांत जी, दो दांत और दो दांत, कद काठ भी बहुत शानदार, अच्छा जी, और ब्रीड भी बहुत शानदार, बहुत ज्यादा अच्छी फार्म की बछड़ी है जी। इतना शानदार है कि कहने के घोड़ी जैसी बछड़ी है ना जी, बिल्कुल ठंडे स्वभाव की।
ऐसे मर्जी। सही है लखवीर जी, कितना समय इसका पड़ा हुआ है जी अभी? ये ले जाएगी जी, मेरे हिसाब से 15+ दिन ले जाएगी। 15 से ऊपर ले जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। और भाई कितना दूध मानते हो जी इससे? दूध चलेगी जी 22+ चलेगी जी। 20+ तो आराम से ही देना है जी। 22+ चलेगी जी, हाइट लेंथ। अगर ये भाई अच्छी केयर करेंगे तो मैं बोल देना चाहता हूँ ये बछड़ी 25 लीटर दूध भी देगी। हाँ जी, हाँ जी, 22 लीटर तो पक्का देना ही देना है जी, ब्रीड के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, वजन जैसा है जी। भाई ये कितने दाम में दी है जी? ये 64 में दी गई है जी। 64,000 64,000 में। और दोस्तों जो चीज है मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ जी, इधर कस्टमर बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, कोई ये बात नहीं कि गाय दी हो 80,000 की और वीडियो में 60-65 बताया जाए। सही बात है लखवीर जी, जी, जी कस्टमर सामने बैठे हैं। हाँ जी लखवीर जी सामने आ जाइए, ले जाइए भाई साहब बांधिए। ये होगी जी आज वाली गायों की डिटेल, 4 गाय चलाकर दिखा दी। हाँ जी। एक लाइव अलग से दिखा दिया जो देखने वाले भाइयों तक जल्दी से जल्दी ये वीडियो पहुंच जाए। जी, सही है जी। अगर कोई भाई ऑनलाइन मंगवाता है तो उसके बारे में क्या विचार हैं जी? फिर आ जाए कलवीर भाई, महाराष्ट्र ये भाइयों को भी ऑनलाइन गाड़ियां 2 भेजा है, महाराष्ट्र तो चल ही रही है। सही तो है, आपको वीडियो में भी बताया था उसकी 20वीं गाड़ी चलेगी, अभी तक उसने मेरे को देखा ही नहीं है। सही है, मैं कहाँ पे रहता हूँ, कहाँ का एड्रेस है, बस वो पैसा डाल देते हैं, इधर से गाय जाती है, बस उसी से काम जी। और मैं भी यही आशा भी आपसे यही करता हूँ। हाँ कि ऐसे ही साफ सुथरा काम आप करते। हाँ जी, ठीक है जी। अंत में प्रॉपर एड्रेस और संपर्क नंबर एक बार फिर से बता ना अपना। जी गांव फलड़ा है जी, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, डब वाली पशु मंडी से 12-13 किलोमीटर पे है। और जिसकी मैं बात हर बार वीडियो में करता हूँ, दिलीप सरपंच की। हाँ जी, वो इस बार यही आए हुए हैं, ऑनलाइन भी बहुत मंगाते हैं। अच्छी बात है। हाँ जी, कॉन्टेक्ट नंबर जी 88376 जी 31132। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा बात। आपका भी धन्यवाद कुलवीर भाई।